भाई जीरो नहीं दिख रहा, तो 300 लिखा हुआ है। ये बस वाले यहाँ कैसे रुके पड़े हैं भाई? भाई ये क्या करने के लिए रुके पड़े हो? अरे भाई लड़ाई हो गई। ओ भाई, ओ भाई। हेलो एवरीवन, कैसे सारे के सारे? बहुत ज़्यादा बढ़िया, मैं भी बहुत ज़्यादा बढ़िया हूँ। लेकिन भाई आज तो भाई बस वाले से लड़ाई हो जाएगी, साथ ही साथ एक और अलग तरीके की लड़ाई। भाई मतलब क्या बोलूँ, सड़कों पे चलो तो लड़ाई क्या हुआ। मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे? बहुत ज़्यादा बढ़िया, मैं भी बहुत ज़्यादा बढ़िया। तो भाई लोग सुबह हुई थी और सुबह उठ के, पर आज मंडे का दिन है तो आज मैं सोच रहा हूँ सुबह शेव कर लूँ या मूछ मूछ रख लेता हूँ, थोड़ी सी तो है, या क्लीन शेव ही कर लेता हूँ। ठीक है, क्लीन शेव कर लेता हूँ और आपका हाँ बस सर पे तेल लगा नहा लेता हूँ। तो जैसा कि मैंने लास्ट आपको बताया हुआ ही था कि मम्मी गाँव गई हुई है, तो मुझे सारा काम तो मेरे को ही करना है। जैसे मम्मी अभी गांव भी चली गई है तो पौधों में भी पानी डालना है मेरे को। मम्मी तो डाल देती है, तो अभी मेरे को ही डालना है पौधों में पानी। मैं डाल देता हूँ। मैंने तेल लगाया, नहा धो के एकदम रेडी हो गया और उसके बाद हम चलेंगे अपना सीधा स्कूटी पे। सर जो तेरा चकराए हो गया हूँ मैं रेडी। अब क्या सीन है, अब जल्दी से बैग पैक कर लेता हूँ क्योंकि मैंने ना लैपटॉप अपना निकाला था क्योंकि उसमें मैं काम कर रहा था। बैग में डाल देता हूँ, जैकेट पहन लेता हूँ क्योंकि आज मेरी वाली जैकेट मैंने धोने के लिए ना वॉशिंग मशीन में डाली हुई है, तो दूसरी वाली और मैंने क्लीन शेव कर ली है, थोड़ा बढ़िया लग रहा हूँ। नहा धो के एकदम रेडी, अब बस स्कूटी पे ही मिलता हूँ। चलो यार भाई लोग, एक मिनट ऑडियो चेक कर लेता हूँ। ऑडियो आ रही है ना? हेलो, हाँ सही है। हाँ तो भाई मैं यही कह रहा था कि चलो अभी हम चले मौज में। आज है मंडे और निकले हैं हम टाइम पे। क्या बोला मैंने? आज है मंडे और निकले हैं हम टाइम पे, बस अब चलते ही जाना है और बस चलते ही जाना है। जैसे स्कूटी में मैं निकला वैसे ही सबसे पहले मैंने उसमें पेट्रोल डलवा दिया और पेट्रोल वाले भैया से थोड़ी बहुत मस्ती कर ली। पेट्रोल भी डलवाना था इसलिए मैं आज जल्दी ही निकल गया। एक तो मैं नींद भी मेरी जल्दी खुल गई थी आज, अभी पता नहीं बाय चांस कैसे आज मेरी नींद, मतलब कैसे तो मेरे को रीज़न पता है क्योंकि कल पूरा दिन मैं संडे को मैंने ब्लॉग भी नहीं बनाया, मैं आराम से सोया हूँ। लेकिन भाई अपना आराम से मस्त मज़े में फुल। फुल कर दियो भाई। भाई जीरो नहीं दिख रहा, 300 लिखा हुआ है, 399 लिखा है। अच्छा ये वाला है क्या? 235 चल रहा है। अच्छा अच्छा, फुल भर दियो भाई, फुल भर दियो, बस गिरने मत दियो, गिर गया तो पैसे काट लूंगा। पेटीएम है, देख गिर गया भाई, अब इसके पैसे कटेंगे। हो गया? अरे नहीं काटे भाई उसके 5 रुपए। चलो तो अभी मेरे को ना काम है एक बेरसराय में समथिंग, तो वो अभी काम करेंगे हम, उसके बाद वी विल डू एनीथिंग।
आज मैं अपनी वाली जो जैकेट नहीं पहन के आया ना मोटी वाली, वो धुलने के लिए डाली हुई है, इसीलिए वो ठंड लग रही है थोड़ी थोड़ी लग रही है, जबकि मैंने अंदर एक स्वेटर और ऊपर से ये वाली जैकेट पहनी है। बट ये कपड़े की जैकेट है, इसमें तीन मोड थोड़ी है, मेरे उस वाले में तीन थे, इसमें तो नॉर्मल जैकेट है ना, इसीलिए। क्या चले जा रहा है, तो मैं, मेरे को जाना था बेलसराय में कुछ काम करने के लिए, लेकिन मैं बहुत आगे पहुंच गया और फिर मेरे को याद आया, अच्छा मेरे को तो वहां जाना था। अरे भाई मैं तो भाई क्या हो गया मेरे को, अभी बताया कि मेरे को मुड़ रहा था वो अपना काम के लिए, पता नहीं भाई दिमाग ऐसा हो गया ना, दिमाग में अपने ही चल रहा था भाई, पता नहीं क्या ख्याल चल रहे थे, मैं सोचते सोचते भाई यहाँ पहुंच गया, और मेरे को रिलाइज हुआ अरे भाई मैं यहाँ पहुंच गया, भाई मेरे को तो जाना था पीछे वो वहाँ काम करना। कोई नहीं यार, वो ना आते टाइम कर लूंगा वाला काम ना, दिमाग खराब यार, ये थोड़ा सा ना गलत एक हैबिट बन गई है एक टाइम पे बहुत सारी चीजें करने की ना, मल्टीटास्किंग है ना, वो बहुत गलत हैबिट है पता है, यू हैव टू बी अ सिंगल टास्कर है ना, मल्टी टास्कर, सिंगल टास्कर कहते हैं, पता नहीं मेरे को क्या कहते हैं, लेकिन हाँ मतलब एक टाइम पे एक काम करने की ही हैबिट होनी चाहिए हर इंसान की, वो बंदा ज़्यादा थोड़ा सा रहता है सही, क्योंकि वो डेडिकेटेडली उसको दे रहा होता टाइम। अब आप एक टाइम पे अपने दिमाग को इधर लगा रहे हो, इधर लगा रहे हो, इधर लगा रहे हो, इधर लगा रहे हो, तो वो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, समझ रहे हो, वही है यार, क्या कहें, something something मेरी जान को, मलाई मंदिर एश बॉय, वो बंदर है वहां पे, फिर भी देखो यहाँ मैं तो इतने जल्दी निकला हूँ, फिर भी देखो यहाँ जाम मिल ही गया, देख लो ये ऐसी रोड हो गई है ना, अब जहाँ पे जाम मिलना आम बात हो गया है भाई, ठंड लग रही है आज, ठंड का एहसास हुआ है मेरे को ये पूरी इस ठंड में ना, इतने दिनों से आज मेरे को ऐसे रियलाइज़ हो रहा है कि भाई ठंड है, जेन्युइनली बहुत ठंड है भाई, ये मतलब मेरे को पूरे ठंडे से पड़ गए ये जो पैर है ना मेरे यहाँ से, और हाथों के अंदर भी बिल्कुल एकदम ठंड सी आ रखी है, मतलब क्या बोलूँ मैं भाई, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, बहुत ज़्यादा ठंड, बहुत ज़्यादा। अच्छा हुआ मैंने ग्लव्स पहन लिए वाले, अगर ये भी नहीं बनता तो फिर तो पता नहीं क्या ही होता। कल बहुत ही अजीब सा सपना आया था मुझे, पता है कल मेरे को एक अच्छा ग्लव्स देख के मेरे को सपना आया भाई कि ना पता नहीं क्या, बड़ा अजीब सा सपना था मेरे को, सपना आया कि ना मेरा ना ये जो हाथ है ना, मतलब कुछ हुआ, लड़ाई वड़ाई चल रही, लड़ाई मतलब ऐसी वाली नहीं, पूरा लाइक गोली वोली बमबारी वाली लड़ाई चल रही थी, और कहीं वॉर में थे और वहां पे मेरी लड़ाई हो रही है, और मेरा ये हाथ टूट गया, लाइक गिर गया, कट के गिर गया, फिर अचानक से एक दूसरा वो आता है और मेरे हाथ एक नकली वाला हाथ, नकली इन द सेंस की वो जो लोहे का हाथ होता है ना ऐसे खुलता है, ऐसे वाला हाथ लगा दिया मेरे, और भाई साहब वो हाथ एकदम खतरनाक, एक हाथ होता, दोनों नहीं एक हाथ, और फिर भाई उसके बाद उस हाथ से बम निकल रहे हैं, गोलियां चल रही है भाई, खतरनाक ही बना दिया था, एकदम प्रॉपर ट्रांसफॉर्मर्स वाली फील आ रही थी उस सपने में ना, ओहो मजा आ गया था, हालांकि उस टाइम थोड़ा अजीब सा भी लग रहा था एक पॉइंट पे, स्टार्टिंग वाले टाइम में ना कि यार कैसा हो गया यार, कैसे होगा ये वो फलाना फलाना, लेकिन बाद में भाई बड़ा मजा आया, फिर जब वॉर में चले गए दोबारा हम। तुम लोगों ने एक वो देखी है मूवी है टॉम क्रूज की, टुमारो नेक्स्ट डे ऐसा समथिंग कोई मूवी है, उसमें कुछ एलियन से रिलेटेड होती है मूवी, और भाई वो उसमें बहुत खतरनाक होती है, वो भी ऐसी ही होती है पूरी प्रॉपर वॉर जोन टाइप वाली, तो ऐसी कुछ इसी टाइप से हुई थी भाई, मजा आ गया था। अरे भाई साहब देख रहे हो क्या ड्रिफ्ट मारी है, ड्रिफ्ट नहीं मतलब क्या कट मारा है इसने, वो किसने, ये I-20 वाले ने, वो जो अब उधर मुड़ रहा है भाई, अचानक से छू कर लिया भाई, मैं तो हैरान हो गया, ये सोचो इस गाड़ी वाले की क्या हालत हुई होगी, तो भाई खतरनाक ये बंदा है ना, बिल्कुल प्रॉपर मूवीज जैसा सीन चल रहा है भाई, सपनों में भी मूवीज जैसे सपने आ रहे हैं, मतलब रियल लाइफ में मूवीज जैसे लोग कट मार रहे हैं। इरिटेशन तो तब हुई जब मैंने देखा ये बस वाला यहाँ पे बिल्कुल जाम वाली जगह पे रोक के खड़ा है, मैंने कहा इससे थोड़ी बात तो भाई साहब बस ये बस वाले यहाँ कैसे रुके पड़े हैं भाई, भाई ये क्या करने के लिए रुके पड़े हो, मैं इसको बोलता हूँ चल रहे हैं, नहीं तो भी बता दा बताइए
साइड में ऐसे रुके पड़ा है, ये जाम वाली रोड है, पता है पूरी दुनिया को, मतलब यहाँ से जो जाता है उन सबको तो पता ही है। उसके बाद भी ऐसा हाल करके रखा हुआ है इन्होंने, हद मचा रखी है बिल्कुल ही। अरे छोले भटूरे की खुशबू आ रही, मैं छोले भटूरे पैक ही करवा लेता हूँ, है ना। आज मैं खाना लाना भूल ही गया हूँ, आज मैं ना बाई चांस पता है क्या खाना लाना भूल गया यार गलती से। अब मैं क्या करूँ, छोले भटूरे ले आऊँ, ले लूँ, पैक करवा लूँ, छोड़ यार बाद में ठंडा हो जाएगा, अभी खाऊंगा नहीं मैं। फिर हर हर महादेव बोल के हम निकले सीधा अपना काम करने के लिए। ओम भूर भुवः स्वः तत् सवितुर् वरेण्यं वरकोटि वत्सति धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर घर महादेव, हर घर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे श्याम, बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। थोड़ा सा और आगे गया तो मैंने देखा यहाँ पे और लड़ाई हो जा रही है। इसे छोले कुलचे पैक करवा लेता हूँ, हाँ पेटीएम चल जाएगा, पूछ लेता हूँ। भाई छोले कुलचे कितने के, पेटीएम हो जाएगा, कर देना भाई पैक कर दो, एक प्लेट ही कर दो भाई। यार रहन दो रहन दो रहन दो, भूल गया था मैं। अच्छा वो भाई स्टार्ट नहीं करा बनाना, आज फिर आज मैं कुछ खाऊंगा ही नहीं, तो खाना देख के मेरा दिल ललचा गया। अरे भाई लड़ाई हो गई, हाँ भाई, ओ भाई क्या हो गया भाई, भाई लड़ाई हो गई भाई की, देख रहे हो। और हीरो बाहुन सर जैसे लोगों से लड़ाई कर रहा है, हिम्मत हिम्मत भी बहुत है इसमें। देख रहे पीछे आ गया भाई, देखा देख रहा है भाई बात है, देखा थोड़ी देर पहले तो पीछे आ गया डायरेक्टली, फिर उसके बाद उसने देखा कि थोड़ी देर पहले बोला, अब पीछे आ गया तो बोलना तो पड़ेगा, दो चार चीज़ें बोली, उसके बाद इसको लग गया कि भाई ये तो बाउंसर जैसे बंदे हैं, थोड़ी देर बाद आके भाई चलो छोड़ो यार। कहते हैं ना साइज देख के लड़ते हैं लोग, सत्य वचन। चलो भाई मिलते हैं तुमसे कुछ देर बाद। शाम को भाई भूख लगी तो मैं और अपने दोस्त के साथ चले गए हम भाई मलाई चाप खाने के, मित्रा दी मलाई चाप के पास, और वहां जैसे पहुंचे वहां बैटरी खत्म हो गई गोप्रो की। चलो यार भाई लोग अभी जस्ट घर पहुंच गया था, बीच में गया था मलाई चाप खाने, लेकिन वहीं पहुंचा तो वहां देखा कि भाई बैटरी खत्म हो गई गोप्रो की। अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, जल्दी से मेरे को एक्सप्लेनेशन वीडियो रिकॉर्ड करनी है, तो मैं वो एक्सप्लेनेशन रिकॉर्ड करता हूँ, उसके बाद एक्सप्लेनेशन रिकॉर्ड करके उसके बाद एक्सप्लेनेशन रिकॉर्ड करके फिर देखते हैं और क्या क्या करना है। ओह भाई लोग अब जाके ख़त्म हुआ है भाई एक्सप्लेनेशन का काम, अभी बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है यार ऐसा, इट्स नॉट वेरी इजी टू मेंटेन अ लॉट ऑफ थिंग्स एट द सेम टाइम, बट ये बस हो जाती है तो वो अलग चीज़ है, लेकिन भाई इट्स रियली नॉट वेरी इजी इन सारी चीज़ों को ऐसे मेंटेन करना। तो मैं आज का एंड कर रहा हूँ भाई, क्योंकि मैं जल्दी से बस ये व्लॉग अपलोड कर रहा हूँ ना, शॉर्ट्स एक्सप्लेनेशन अपलोड कर रहा हूँ, उसके बाद मैं सोने जा रहा हूँ भाई, मैं थक गया हूँ बहुत ज़्यादा। तो आई होप भाई लोग आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ अलग मस्ती करते हुए, लव यू और हाँ खुशियाँ बांटते रहना। चला रहे हो ना फुल स्पीड में, अगर मान लो रेस देते मत रहो, बीच में बस छोड़ दो, थोड़ा सा ऐसे चल रही है, मतलब अभी तो मैं हाथ में दिखा रहा हूँ, ऐसे छोड़ दो, ये यहाँ तक पहुँच गए हैं, मतलब बस अब बनने ही वाला है, दो चार महीने में ही फ्लाईओवर पूरा बन ही जाएगा लग रहा है। अरे भाई 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 आए।